कहते हैं यूपी अगर आप गए और मैनपुरी ना घूमें तो क्या घूमें। मैनपुरी आगरा मंडल का एक प्रमुख शहर व लोकसभा क्षेत्र भी है, जहां पे किलों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पुराने पुराने किले से लेकर बाबर के टाइम में जो भी चीज़ें थे वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा यहां पे। आज के इस वीडियोज़ में हम आपको बताने वाले हैं कि मैनपुरी ज़िला आप कैसे जाएंगे और ज़िले के अंदर क्या क्या चीज़ें घूमने के लिए, इन सभी चीज़ों पर आज के इस वीडियोज़ में बात करेंगे। 5 जगह ऐसे बात करेंगे जो सबसे टूरिस्ट प्लेस है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो जरूर देखें। मैनपुरी दोस्तों, जिसका पिन कोड है 205001। अगर यहाँ की कुल जनसंख्या की बात करें 2011 की जनसंख्या की, तो लगभग यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग हैं। अगर हम घूमने की बात करें तो जब भी आप रेलवे स्टेशन आएंगे, मैनपुरी जंक्शन भी है, रेलवे स्टेशन है, इसके नियरेस्ट में इटावा रेलवे स्टेशन है, वहाँ से भी आप उतर सकते हैं जंक्शन से और फिर आप मैनपुरी घूम सकते हैं। मैनपुरी में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस है जो कि यहाँ का किला, किला है महाराजा ताज सिंह चौहान फोर्ट मैनपुरी, जहाँ पे पुराने किले के बारे में दिखाया गया है, जो कि स्टेशन से कुछ ही दूरी पे है। जब भी आप वहाँ ट्रैवल करेंगे तो आपको ऑटोज वगैरह वहाँ से मिल जाएगा। दूसरा जो दोस्तों है एक बहुत ही प्रसिद्ध, वो है लोहिया पार्क, जो कि वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ भी जाते हैं घूमने के लिए। लोहिया पार्क जो है बनाया गया है, जो कि पूरी तरीके से वहाँ पर बच्चे के साथ साथ बड़े भी खेलते हैं और पार्किंग की व्यवस्था भी है, लोग घूमने के लिए सुबह शाम भी जाते हैं। ये सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं लोहिया पार्क का, जो कि मैनपुरी में मौजूद है। तीसरा जो हमारा जगह है मैनपुरी में, जब भी आप विजिट करते हैं तो एक है शीतला माता मंदिर मैनपुरी, जहाँ पे शीतला माता का मंदिर है और यहाँ पे लाखों की संख्या में भक्तजन जाते हैं, मेला भी लगता है और यहाँ पे जाके वो जो है पूजा अर्चना करते हैं। अगर इसका एड्रेस की बात करें तो देवी रोड उदयपुर अभी उत्तर प्रदेश में है, जो कि वहाँ से कुछ ही दूरी में आपको मैनपुरी में नज़र आ जाएगा। किसी को भी पूछेंगे तो आप पहुँच सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सत्य माना जाता है। जो भी लोग यहाँ जाते हैं उनकी मनोकामना उनकी जो है वो पूर्ण होती है। तीसरा जो स्थान, चौथा जो स्थान है दोस्तों, वो समन सेंचुरी है, जो कि यहाँ भी आप घूम सकते हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं अद्भुत नज़ारा का। और पहला जो मैंने बताया आपको महाराजा ताज सिंह चौहान फोर्ट, ये नज़ारा है, ये मेन गेट है जहाँ से आप इन करेंगे और ये पुराना गेट है, किला है पूरी तरीके से, बहुत ही बड़े क्षेत्र में बनाया गया है जहाँ पर आप घूम सकते हैं। और एक है यहाँ पर आश्रम, वहाँ भी आप घूम सकते हैं। इन 5 जगहों में जब भी आप ट्रैवल करना जाते हैं मैनपुरी, जब भी आप विजिट करते हैं तो इन 5 जगहों में आप बिल्कुल भी घूम सकते हैं। वहाँ ऑटो भी कर सकते हैं, ऑटो के सारे भी घूम सकते हैं, शीतला माता का मंदिर जा सकते हैं पूजा अर्चना यहाँ करने के तत्पश्चात, फिर आप लोहिया पार्क भी घूम सकते हैं, इसके साथ साथ सेंचुरियन देख सकते हैं, उसके साथ साथ महाराजा ताज सिंह चौहान का फोर्ट भी देख सकते हैं, वहाँ भी मनोरम अद्भुत नज़ारा का आप आनंद ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप होटल की सुविधा की बात करें, होटल में जब भी आपको रुकना हो तो यहाँ पे लोहिया पार्क जो आपको नज़र आ रहा है सामने, इसके बगल अगल बगल में भी बहुत सारे होटल हैं जहाँ पे आप गेस्ट हाउस में या होटल में रह सकते हैं। जिस तरीके से आपका बजट है उस हिसाब से आप यहाँ पे रूम ले सकते हैं और यहाँ पर सुंदर अद्भुत नज़ारा का आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ से आगरा की दूरी बहुत ही कम है, 110 किलोमीटर लगभग है। अगर आप इटावा जाते हैं तो 55 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इस तरीके से अलग अलग जो हैं डिस्ट्रिक्टें हैं यूपी में, जहां पे आप घूम सकते हैं और जब भी विजिट करते हैं तो हम तो यही कहेंगे इन 3-4-5 जगह पे आप ज़रूर घूमें और यहां का मनोरम अद्भुत नज़ारा का आप ज़रूर आनंद लें। देखें यहाँ का बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा है जो कि आपको देखने को बनेगा। लोहिया पार्क में भी काफ़ी संख्या में लोग जाते हैं, शाम से लेकर सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ होती है। ये मेन गेट है जहाँ से आप एंट्री लेंगे और इसके साथ साथ ये शीतला माता का मंदिर है जहाँ पे आप पूजा अर्चना करेंगे। यहाँ पे पंडित जी हमेशा रहते हैं, उनके द्वारा पूजा अर्चना किया जाता है, उसके साथ साथ आप ये फोर्ट घूम सकते हैं। तो ये 5 जगह था जो मैंने आपको बताया और किस तरीके से आप यहाँ का अद्भुत नज़ारा का आनंद ले सकते हैं मैनपुरी जंक्शन से उतर के। एक और वीडियो हमने बनाया जिसमें मैनपुरी जंक्शन के बारे में बताया, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये 5 जगह था जो मैंने आपको बताया कि जब भी आप मैनपुरी विजिट करते हैं तो इन 5 जगहों पर घूम सकते हैं। थैंक यू।